हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करेंगे 47th डे यानी कि 47वां दिन। तो आज भी हम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखेंगे। कैसे कैसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और कैसे उनके स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो होगी पार्ट 1 और अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2। तो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल के आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है वो 46 वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, यानी कि पार्ट 2 है। तो 46 डे की वीडियो में भी हमने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेंटेंस स्टार्ट होगा 46 नंबर के सेंटेंस से, और 45 नंबर के सेंटेंस तक हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप आज की वीडियो यानी कि पार्ट 2 में आप आ सकते हैं। मेरा जी मतला रहा है, आई एम फील लाइक वॉमिटिंग या आई एम फीलिंग सिक। तो जी मचला रहा है यानी कि मैं फील कर रही हूँ जैसे मुझे वॉमिट होगा या फिर मेरी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आई एम फीलिंग सिक। दवा की खुराक हर एक 4 घंटे पीते रहो। हर एक 4 घंटे यानी कि हर 4 घंटे में पीती रहो, यानी इस घंटे तुमने पिया, उसके 4 घंटे के बाद फिर से पीना है, फिर उसके 4 घंटे के बाद फिर से रिपीट करना है। तो टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, यानी हर एक 4 घंटे में डोज लेना है। शुद्ध हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। फ्रेश एयर इज रीजुविनेटिंग यानी कि शक्ति को बढ़ाने वाली। आज मेरा जी ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। तो जब भी ऐसा सेंटेंस हो कि मेरा जी ठीक नहीं है या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या मेरा जी मचला रहा है, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो तो इसको हम लिख सकते हैं आई एम फीलिंग सिक या आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड टूडे। हर एक सेंटेंस में आपको यही लिखना है। नेक्स्ट है, चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। His feet are swollen because of walking. तो ज्यादा चलने की वजह से उसके पैर में सूजन आई है, तो it is because of walking. इसलिए हमने कैसे लिखा है, His feet are swollen, उसके पैर सूज गए हैं because of walking, यानी walk करने की वजह से। मेरी सेहत बिगड़ी हुई है, My health is down. तो down होना यानी कि अगर मेरा mood down है, मैं down feel कर रही हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो वैसे ही सेहत बिगड़ी हुई है यानी कि मेरा हेल्थ भी डाउन है। जुलाब ले लो, टेक अ परगेटिव। वह बीमारी से तंग आया हुआ है। ही इज फेड अप विथ हिज इलनेस, यानी उसकी बीमारी से, यानी उसे कोई बीमारी है और वो बहुत टाइम से है या उसको परेशान करी, इसलिए वो उसे तंग आ गया है। तो जो ऐसी बीमारी होती है जो कंटिन्यूस होती है, यानी लंबे टाइम से चलती आ रही है, उसको हम इलनेस कहते हैं। सिकनेस हो गया कि कोई छोटी बीमारी, यानी कोई सिक है, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सिकनेस या सिक। इलनेस मतलब कि कोई लंबे टाइम से बीमारी चल रही है। नीम हकीमों से बचो। बीवेयर ऑफ या अवॉइड क्वैक्स। तो क्वैक्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री होती है लेकिन वो फर्जी होती है, इन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की होती है, वो प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बस फर्जी डिग्री बनवा लेते हैं और लोगों को दवाई बांटते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, यानी बीवेयर रहें या फिर उनको अवॉइड करें। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम न कर सका। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिजीज, यानी उसको क्या बीमारी थी ये डॉक्टर नहीं डायग्नोस कर सका। मैं थक कर चूर हो गया हूँ, आई एम डेड टायर्ड या आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, यानी आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। और डेड टायर्ड भी एक फ्रेज है, यानी बहुत ज्यादा थका होना। नेक्स्ट, वह आज कैसा है, हाउ इज ही टुडे। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं इस टाइप के, तो हमेशा जो सब्जेक्ट है, यानी जो ही है या शी है या इट है, ये हमेशा इसके बाद आता है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे हाउ ही इज टुडे, हम कहेंगे हाउ इज ही टूडे, इसके बाद ही आएगा। लेकिन जब हम इसको आंसर करेंगे हाउ इज ही टूडे, तब हम लिखेंगे ही इज गुड टूडे या ही इज नॉट वेल टूडे, तब ही के साथ आगे इज आएगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो इज पहले आता है और ही शी इट जो भी है वो इसके बाद है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेलते खेलते उसका हाथ उतर गया। तो हाथ उतर गया यानी कि जो हड्डी है वो डिसलोकेट हो गई, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिसलोकेट होना। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वह कल से आज अच्छा है, यानी कल वो अच्छा नहीं था, यानी कल वो बीमार था या कल वो सिक फील कर रहा था, लेकिन आज उसकी तबीयत बेटर है, आज वो सही फील कर रहा है, आज वो ठीक फील कर रहा है, तो हम कहेंगे टुडे ही इज बेटर देन यस्टरडे। या कल की बात अगर नहीं करनी है तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं ही इज फीलिंग बेटर टुडे। कंपेरिजन अगर हम करेंगे कि कल से अच्छा था तो हम लिखते हैं टुडे ही इज बेटर देन यस्टरडे, लेकिन अगर हमें सिंपल ये कहना हो कि आज वो ठीक फील कर रहा है तो हम सिंपली कहेंगे ही इज फीलिंग बेटर टुडे। यह दवा आपके बुखार को उतार देगी।
दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फीवर डाउन होना यानी फीवर उतरना, तो यह मेडिसिन बुखार उतार देगी यानी फीवर को डाउन कर देगी। तो दिस मेडिसिन विल ब्रिंग डाउन योर फीवर। अब विल का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर आप दवा लेंगे तो आपका बुखार उतरेगा, तो यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। तो इसलिए हमने कहा है विल ब्रिंग डाउन योर फीवर। उसके सिर में दर्द है, सिर में दर्द होना यानी कि हेडेक होना, तो सिंपल हम लिखते हैं इसको ही हैज अ हेडेक। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के साथ। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।